नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, हमारी पिछली क्लास में हम लोग ये पढ़ चुके थे कि मैक्स वेबर एक ऐसा तार्किक विद्वान है जो व्याख्यात्मक बोध के आधार पर हर तथ्य का विश्लेषण करने में बल देता है। इन्होंने एक वरिष्ठहन की पद्धति भी दी थी। इस पद्धति के अंदर जो दो शब्द काम में लिए गए, रैकर्ट और डिल थे, दो विद्वान थे, उनसे उन्होंने दो शब्द ग्रहण किए हैं। एक तो सहानुभूति, एक सहानुभूति। ये कहते हैं कि किसी भी अध्ययन को सहानुभूति के आधार पर हमें करना चाहिए, और जब सहानुभूति होती है तो हम उसके बारे में अपना तार्किक निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए, हम सड़क पर जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने की स्थिति में दो स्थितियां बनेंगी। प्रथम, हम ये अनुभव करेंगे कि जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है उसको चोट का दर्द कैसा हो रहा होगा। अगर हमारा हो जाता तो हमें भी ऐसा ही लगता। ऐसी स्थिति के अंदर हम सहानुभूति करके उसके साथ सहभागी बनते हैं, उसका उपचार करने में मदद करते हैं। एक होता है सहानुभूति, उसके अंदर व्यक्ति दूर से घटना को देखता है और उसके पश्चात बड़ा अफसोस सा जाहिर करता है, अरे बहुत बुरा हुआ। यहां सहानुभूति का कंसेप्ट है। ऐसी स्थिति के अंदर वरिष्ठहन व्याख्यात्मक बोध की बात करता है। वो भौतिक वस्तुओं के व्यवहार और उनके कारणों की व्याख्या के आधार पर तार्किक विवेचना को प्रस्तुत करता है। वेबर ने चार प्रकार की सामाजिक क्रिया बताई। उन सामाजिक क्रियाओं के होने के पीछे सबसे पहले यह समझाने का प्रयास किया कि किन व्यवहारों को हम सामाजिक क्रिया की श्रेणी में मान सकते हैं अथवा किन को नहीं मान सकते। प्रत्येक प्रकार का व्यवहार सामाजिक क्रिया की श्रेणी में नहीं आएगा। उदाहरण के लिए, एक महिला प्रतिदिन मंदिर में जाती है, वहां जाकर अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए एक जल का पात्र भगवान को अर्पित करती है या जल चढ़ाती है। अब उसका यह व्यवहार सामाजिक क्रिया की श्रेणी में नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कोई अर्थपूर्ण ढंग नहीं जुड़ा हुआ है। अगर यही काम किसी पुरोहित के कहने पर वो करे, पुरोहित उसे बोले कि तुम जल के अंदर कुछ लाल चंदन की बूंदें डालो और उसके बाद वो जल अर्घ के रूप में अर्पित करो, अब किसी अन्य का प्रभाव उस पर डला, उस प्रभाव के कारण वो महिला जल अर्पित करती है, किसी से प्रभावित होकर करती है, तो ऐसी स्थिति में यहां सामाजिक क्रिया इस व्यवहार को कहा जाएगा। इन्होंने एक अन्य उदाहरण दिया कि सामूहिक आधार पर किया गया व्यवहार कभी भी सामाजिक क्रिया नहीं हो सकता। एक सड़क पर 20 लोगों का समूह जा रहा है और अचानक बारिश होने लगे और सभी लोग एक साथ छतरी खोलकर उस बारिश से बचने के लिए छाता खोल ले अपना और सुरक्षा करे, तो कोई ये कहे कि अरे देखो ये सामाजिक क्रिया है, एक जैसा व्यवहार हो रहा है? कदापि नहीं, क्योंकि यहां अर्थपूर्ण ढंग देखा जाएगा तो बारिश से बचने के लिए उन्होंने छाता खोला है, ना कि एक दूसरे को देखकर छाता खोला है। इसके लिए वेबर ने कुछ शर्तें रखी हैं। उन शर्तों में प्रथम है कि सामाजिक क्रिया किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के भूत, भविष्य व भावी व्यवहार से प्रभावित हो सकता है, ऐसा व्यवहार सामाजिक क्रिया की श्रेणी में आएगा। जैसे एक विद्यार्थी नोट्स बनाता है, अपने तरह तरह की इंटरनेट की साइट पर खोजता है अपने बिंदुओं को और अपनी विषय सामग्री को सुरक्षित रखता है। चूंकि उसके इस व्यवहार के पीछे कहीं ना कहीं भाव छिपा हुआ है, भविष्य की परीक्षा की योजना। वो जानता है वो नोट्स बनाकर अच्छी प्रकार से अध्ययन करके अपनी भावी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो जो काम होने वाला है उसको ध्यान में रखकर वो यदि अध्ययन योजना बनाता है, अगर वो पढ़ता हुआ दिखाई देता है, यहां वेबर के अनुसार वो सामाजिक क्रिया का व्यवहार होगा। द्वितीय, वो कहते हैं प्रत्येक प्रकार की क्रिया अर्थात बाह्य क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है,
यदि वह पूर्णतः जड़ बेजानदार वस्तुओं द्वारा प्रभावित होती है, यानी निर्जीव वस्तुओं के द्वारा, बेजान वस्तुओं के द्वारा यदि कोई हमारा व्यवहार प्रभावित है तो सामाजिक क्रिया की श्रेणी में नहीं होगा। लेकिन यह मैं स्पष्ट कर दूं, यदि कोई निर्जीव वस्तु का प्रयोग कोई व्यक्ति कर रहा है सजीव इकाई निर्देशित करने के लिए, तो वो सामाजिक व्यवहार की श्रेणी में आ सकता है। जैसे तेज हवा चलने लगी और हवा चलने के लिए मिट्टी उड़ी और व्यक्ति ने अपने मुंह पे कपड़ा बांध लिया, तो यहां वो हवा निर्जीवता का प्रमाण है। अपने चेहरे पर कपड़ा बांध लेना सामाजिक क्रिया नहीं होगी। परंतु किसी पीटी ग्राउंड में पीटीआई के द्वारा एक सीटी बजाई जाती है जो कि निर्जीव है, और सीटी में उसने पहले ही निर्देशित कर दिया कि जब मैं लंबी सीटी बजाऊं तो बाईं ओर घूमना है, और लंबी सीटी बजाने पर सभी उपस्थित लोग बाईं ओर घूम जाते हैं, सबका व्यवहार एक साथ प्रभावित होता है, तो यहां ये सामाजिक क्रिया की श्रेणी में आएगा, क्योंकि इस व्यवहार के पीछे पीटीआई का व्यवहार जुड़ा हुआ है, उसके द्वारा की गई क्रिया जुड़ी हुई है। तीसरा इन्होंने संदर्भ रखा कि प्रत्येक प्रकार का संपर्क सामाजिक नहीं होता, जहां तक कि दूसरे के व्यवहार उसमें अर्थपूर्ण ढंग से जुड़े हुए ना हो, संबंधित ना हो। यानी एक प्लेटफॉर्म का उदाहरण दें, वहां टिकट खिड़की पर बहुत सारी भीड़ है, सब लोग सटके खड़े हुए हैं, फटाफट टिकट लेना चाहते हैं, वहां उनकी फिजिकल कॉन्टेक्ट हो रहा है, टच हो रही है बॉडी, अब वो संपर्क हो रहा है, उस आधार पर वो संपर्क सामूहिक व्यवहार की श्रेणी में सामाजिक क्रिया नहीं होगा, क्योंकि उनके बीच में अंतःक्रिया का कोई आधार नहीं है। वहां पर वो किसी भी प्रकार का वैचारिक आदान प्रदान नहीं कर रहे हैं। तो वेबर की ये बात भी स्पष्ट होती है कि कोई सामान्य संपर्क या किसी प्रकार का संपर्क सामाजिक क्रिया की श्रेणी में नहीं आ सकता। चतुर्थ शर्त इन्होंने रखी, सामाजिक क्रिया ना तो अनेक व्यक्तियों के द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है, या किसी एक व्यक्ति के द्वारा की गई क्रिया जो दूसरे व्यक्ति के द्वारा प्रभावित हो। यानी एक ऐसा व्यवहार है जो कि सामूहिकता का आवाज देता है। भीड़ के अंदर निरंकुश व्यवहार कोई हो, लोग लूटपाट करने लगे, तो उसे हम सामाजिक क्रिया नहीं कहेंगे, क्योंकि उसके अंदर वो व्यवहार सामाजिक परिधि के संदर्भित नहीं है, उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। इस आधार पर वेबर ने चार प्रकार की सामाजिक क्रियाओं का उल्लेख किया। इनका प्रथम आधार है परंपरागत सामाजिक क्रिया, जैसा कि उन्होंने अपनी पुस्तक में स्पष्ट किया, ऐसी क्रियाओं के पीछे पूर्वजों का अनुकरण होता है, यह आदर्श के एक अंग होते हैं, प्रथा परंपरा आदि के द्वारा प्रभावित होकर की जाने वाली क्रिया है। यानी किसी व्यवहार के पीछे पूरे समाज का आदेश छिपा हो, यहां मैं दुर्खीम का सामूहिक प्रतिनिधान कह सकता हूं, जिसमें जन भावना जुड़ी होती है किसी व्यवहार के संदर्भ में। अब यहां वेबर कहना चाहता है, यदि कोई परंपरा बनी है, उदाहरण के लिए हमारा समाज हमें कहता है कि फला तिथि के दिन फला देवी देवता की पूजा करनी होगी। अभी हाल ही में गणेश चतुर्थी का हमने पर्व मनाया है, और हमारे समाज में परंपरागत मूल्य है कि गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा विधि विधान से इस तरह होगी, एक सिस्टम हमको फॉलो करने के लिए कहा गया। अब यदि हम उसके अकॉर्डिंग उस व्यवहार को कर रहे हैं, हम विशिष्ट प्रकार की सामग्रियों का भोग लगाकर गणपति का आह्वान करके पूजा कर रहे हैं, इट मीन्स हम परंपरागत सामाजिक क्रिया को जन आदेश की अनुपालना करते हुए अपनी पूर्वजों की धरोहर के रूप में मानते हुए व्यवहार कर रहे हैं, ये हमारी परंपरागत सामाजिक क्रिया होगी। इसमें समाज दो प्रकार की व्यवस्था करता है, यदि विधिवत तरीके से कार्य किया गया तो समाज पुरस्कार भी देगा प्रशंसा के रूप में, एक दूसरे के साथ प्रोत्साहन के रूप में। लेकिन यदि समाज के बने नियमों का उल्लंघन होता है तो सामाजिक बहिष्कार के रूप में दंड भी दिया जा सकता है, अवमानना के रूप में, बहिष्कार के रूप में। अब कोई व्यक्ति इसी उदाहरण में गणेश जी का पूजन करते समय सिस्टम से अलग कोई नया कार्य करे, वो आलोचना का पात्र बनेगा। यह आलोचना सामूहिक बहिष्कार का प्रतीकात्मक रूप है। अतः परंपरागत क्रिया के संदर्भ में जब पूर्वजों की धरोहर के रूप में सभी लोग अपना व्यवहार करते हैं और व्यवहार के अनुसार किसी कार्य को संपन्न किया जाता है, वो सामाजिक क्रिया की श्रेणी में होगा और समाज बदले में उसे पुरस्कार देगा।
यदि वो उसके विरुद्ध कार्य करता है तो समाज उसे दंड के रूप में, अवमानना के रूप में, आलोचना के रूप में, व्यंग के रूप में, सामाजिक बहिष्कार की श्रेणी में रखेगा। दूसरी सामाजिक क्रिया है तार्किक क्रिया। वीबर के शब्दों में यह लक्ष्य मूलक क्रिया भी कहलाती है। इस प्रकार की यह औपचारिक क्रिया है जिसमें साधन साध्य संबंधों पर आधारित है। इसमें योजनाबद्ध तरीके से किसी व्यवहार को किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग जब काम होता है तो वो तर्कपूर्ण आधार पर सामाजिक क्रिया होगी। मैं यहां अपनी ओर से उदाहरण दूंगा। एक इंजीनियर पुल बनाना चाहता है, अब वो क्या करेगा? पुल को सबसे पहले एक पेपर पर ड्राइंग करेगा, कितने पिलर होंगे, लंबाई चौड़ाई क्या होगी, वहां का मृदा परीक्षण करेगा, कितने वर्कर्स काम करेंगे, एस्टीमेट लेगा कितना धन खर्च होगा, कौन सी सामग्री कितनी लाई जाएगी, पूरा एक कच्चा रूपरेखा बनाकर, योजना बनाकर, स्टेप बाय स्टेप यदि वो कार्य करे और पुल निर्माण का कार्य कर दे तो यह तार्किक क्रिया है, क्योंकि योजनाबद्ध तरीके से वह इंजीनियर साध्य साधन के मध्य संतुलन बनाता हुआ उस व्यवहार को कर रहा है। तो इस तरह तार्किक क्रिया के अंदर योजनाबद्ध तरीके से चरणबद्ध आधार पर किसी भी व्यवहार को किया जाता है और इस व्यवहार को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से वेबर ने एक तार्किक सामाजिक क्रिया का रूप दिया है। तीसरी सामाजिक क्रिया के रूप में इन्होंने मूल्यांकनात्मक क्रिया के बारे में बताया। इन्होंने तीन मूल्यों को विशेष बल दिया है, पहला नैतिकता, दूसरा धर्म और तीसरा है कला। यानी नैतिकता, धर्म, कला से संबंधित किया गया कोई भी व्यवहार, उस व्यवहार के अंदर व्यक्ति अपनी और समाज की लाभ हानि की विवेचना करता हुआ उस व्यवहार को अनुमोदित करता है, सामाजिक लक्ष्य बनाकर उस व्यवहार को जीवन में उतारता है, तो वो यहां मूल्यांकनात्मक क्रिया होगी। एक चित्रकार ने चित्र बनाया, कला। मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई, कला। अब कोई व्यक्ति कहे कि वाह कितनी सुंदर मूर्ति है, जैसे सजीव रूप में बोलने लगेगी, या उस कलाकार की प्रशंसा है। ऐसे स्थिति में उस व्यक्ति के द्वारा की गई कला के संदर्भ में टिप्पणी सामाजिक क्रिया की श्रेणी में आएगी। नैतिकता, भारतीय हिंदू समाज में सुचिता पवित्रता पर बल दिया गया है और यदि कोई व्यक्ति इस सुचिता के आधार पर, अपनी नैतिकता के आधार पर अपने जीवन के हिस्सों के रूप में, व्यवहार के रूप में उन नैतिकता की पालना करे, चाहे उसे कितना ही कष्ट हो, तो उसके द्वारा यह नैतिकता की पालना करना, सुचिता पवित्रता की पालना करना मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया की श्रेणी में आएगी। इसका दूसरा संदर्भ भी मैक्स वेबर ने उदाहरण द्वारा दिया है कि एक कैप्टन जो जहाज को चलाता है, अगर उसे लग रहा है उसका जहाज डूबने वाला है तो ऐसी स्थिति में वो स्वयं की जान नहीं बचाएगा, क्योंकि यदि वो खुद की जान बचाकर वो चाहता तो कूद सकता था समुद्र में। उसका यहां पर मूल्य क्या है? उसका मूल्य नैतिकता के आधार पर यह है कि वो जहाज के सभी मुसाफिरों की रक्षा करे। अब वो यदि इस कार्य में असफल अपने आप को महसूस करता है तो गर्व क्या महसूस करेगा? उस जहाज के साथ डूबना, अपनी मृत्यु को स्वीकार करना यहां पर उसका मूल्य माना जाएगा। और यदि वो मर जाता है तो लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, कितना वीर आदमी था, लोगों को बचाते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया। यानी यहां नैतिकता के आधार पर उसका डूब कर मर जाना मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया की श्रेणी में आएगा। चतुर्थ जो उन्होंने सामाजिक क्रिया का रूप दिया है वो प्रभावात्मक या भावात्मक सामाजिक क्रिया है। प्रभाव और भाव का मतलब मनोवैज्ञानिक आधार पर संवेदना, दुख, घृणा, स्नेह, वात्सल्य, ये सारी प्रक्रियाएं इसके अंदर शामिल होती हैं। वेबर का कहना है उद्वेगात्मक मनोभाव के आधार पर संवेग, क्रोध, प्रेम, घृणा, शत्रुता के माध्यम से मस्तिष्क में इन मूल्यों को, इन संवेगों को स्थापित करके कोई क्रिया की जाती है वो सामाजिक क्रिया की श्रेणी में आएगी। मैं उदाहरण देता हूं। एक मां अपने बच्चे की गलती पर उसे पीटती है, उसका उद्देश्य उसको जान से खत्म करना नहीं है, थोड़ा पीड़ा देकर, थोड़ा भय दिखाकर उसे सुधारना चाहती है कि वो समाज स्वीकृत मूल्यों के अनुसार व्यवहार करे। अब मान लीजिए भावावेश में, भावुकता में उसने तेज प्रहार किया और बच्चे के चोट आ गई। अब पता क्या होगा? मां रोने भी लगेगी, उसे कहेगी अरे
मैं तुम्हें तेज मारा, तुम्हें चोट लगी, अरे बेटा सॉरी मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। तो पहले इसी घटना के प्रथम पक्ष में उसके द्वारा प्रताड़ना देना, द्वितीय पक्ष में चोट लगने पर स्वयं भी भावुक होकर रोने लगना, यह यहां पर सामाजिक क्रिया की श्रेणी है। क्योंकि वेबर कहता है जब संवेग के वशीभूत होकर व्यक्ति कोई व्यवहार करे, एक मैच चल रहा है और मैच के अंदर सभी टीम के लोग अपना अपनी भूमिका निभाते हुए उस मैच को जीतने की भरकस कोशिश कर रहे हैं, लास्ट मोमेंट में जाके सब कहते हैं कि तुम मैच हार जाओगे, पब्लिक निराश हो गई है और अचानक टीम के अंदर एक अजीब सा जोश आया और सबने मिलकर पूरे प्रयास किए और वो मैच जीत गए, जीतने के साथ ही वो खुशी के मारे रोने लगते हैं। अब उनका यहां जो रोना है वो प्रभावात्मक सामाजिक क्रिया की श्रेणी में आएगा, क्योंकि इसके अंदर वो उस क्रिया के पीछे अपने संवेग जोड़े हुए हैं, तो संवेग के आधार पर यह सामाजिक क्रिया का रूप है। विद्यार्थियों, हमें उलझना नहीं है इन प्रक्रियाओं के रूप में, हमें मोटे तौर पर चार बातें समझनी है। जब नैतिकता, धर्म और कला के संदर्भ में कोई व्यवहार हो तो वेबर इसे मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया कहता है। समाज स्वीकृत परंपरा जो पुरुषों के द्वारा स्थापित की गई है उसके संदर्भ में यदि हम सामूहिक प्रतिनिधान के रूप में उन मूल्यों की अनुपालना करें, अपना व्यवहार करें, तो यहां पर यह परंपरागत सामाजिक क्रिया होगी। उद्वेग भावावेश के कारण कोई व्यवहार हम करें तो यहां पर इसे हम प्रभावात्मक सामाजिक क्रिया कहेंगे। और योजनाबद्ध तरीके से भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान के संदर्भ में हम कोई भी व्यवहार करें तो यहां पर यह व्यवहार हमारे संदर्भ में तार्किक क्रिया होगी। इसको हम एक अन्य उदाहरण से भी समझ सकते हैं। एक कक्षा चल रही है और इस कक्षा में टीचर पढ़ा रहा है, अचानक कुछ सज्जन आए, पांच छह लोगों का समूह, उन्होंने कहा कि फला अमुक व्यक्ति को बाहर भेजिए, और बाहर भेजते ही उनकी पिटाई करना चालू कर दी। अब हमको लगेगा ये तो 20 मिनट से क्लास में था, इसने क्या किया है। यहां हमें समझना होगा, हो सकता है उसका भूतकाल का व्यवहार इतना गलत हो, इन लोगों को आहत करके आया हो कि इसकी पिटाई करके उसके परिणति के रूप में इसकी इस तरह का व्यवहार वो कर रहे हैं। हो सकता है वो बच्चा क्लास में आने से पहले उन लोगों का कोई नुकसान करके आया हो, चोरी करके आया हो, आर्थिक नुकसान उन्होंने किया हो, उसका बदला लेने के लिए वो आए और उन्होंने उसकी पिटाई की, तो यहां पिटाई करना सामाजिक क्रिया होगी क्योंकि उसके भूतकाल का व्यवहार उस व्यवहार में जुड़ा हुआ है। इस संदर्भ में चार प्रकार की सामाजिक क्रियाएं हैं। मेरी अगली क्लास में मैं मैक्स वेबर के संदर्भ में जो इनका प्राधिकार है, जो प्राधिकार इन्होंने ऑथोरिटी के रूप में बताया है, करिश्माई सत्ता के रूप में, वैधानिक सत्ता के रूप में और परंपरागत सत्ता के रूप में, इन पर चर्चा करूंगा। विद्यार्थियों, आपकी कोई भी समस्या हो आप हमारे महाविद्यालय के चैनल पर कमेंट्स में डाल सकते हैं, किसी बिंदु को पुनः समझना उसके संदर्भ में डाल सकते हैं, जिससे हम हमारे अगले वीडियो में उन बिंदुओं को शामिल करते हुए आपके लिए रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान कर सकें। धन्यवाद।